R9 टीवी, मैं हूँ आपके साथ आशिमा त्यागी। और R9 टीवी पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कश्मीर पर UNSC की अहम बैठक होने जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, चीन की तरफ से मांग उठाई गई थी जिसको अब स्वीकार कर लिया गया और आज कश्मीर मसले को लेकर बंद कमरे में चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कश्मीर पर UNSC की अहम बैठक होने जा रही है, बंद कमरे में कश्मीर को लेकर चर्चा होगी। तो चीन ने बंद कमरे में बैठक की मांग की थी जिसके बाद सुरक्षा परिषद सदस्य देशों की अनौपचारिक बैठक ये न्यूयॉर्क में होगी और अनौपचारिक बैठक में सदस्य देश अपनी राय रखेंगे। तो बैठक का जो रिकॉर्ड है वो भी नहीं रखा जाएगा। तो इससे पहले भी 1956 में कश्मीर पर पूर्ण बैठक हुई थी और 1971 में बंद कमरे में चर्चा हुई थी। और एक बार फिर से चीन का जो सहारा है बौखलाए पाकिस्तान को मिल गया है। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और एक बार फिर से चीन का सहारा पाकिस्तान को मिला है। आपको बता दें कि मुस्लिम देशों समेत पूरी दुनिया ने आर्टिकल 370 के मुद्दे पर पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया था, जिसके बाद एक बार फिर से चीन ने जो है चाल चली है भारत के खिलाफ। और आज UNSC की जो बैठक है वो होने जा रही कश्मीर मसले को लेकर और बंद कमरे में जो है इस बैठक को किया जाएगा, इसका कोई रिकॉर्ड भी जो है वो नहीं रखा जाएगा। लेकिन इस बैठक के जरिए चीन की क्या चाल यहां पर रहती है ये देखना होगा। R9 TV पर पल पल की खबरों की जानकारी के लिए आप देख रहे हैं R9 TV।